हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पंक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह के ऊपर बात करेंगे जिस पे अगर हम रह पाते तो हीरा कौड़ियों के भाव बिकता। इस ग्रह के ऊपर मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बिना टाइम खोटी किए लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज हम रहते हैं धरती पर। इस ग्रह पर हीरो की, प्योर हीरो की क्या वैल्यू है हम सबको पता है, लेकिन अगर हम इस ग्रह के वासी होते जिस ग्रह की मैं आज बात करने वाला हूं, तो इस ग्रह पर हमें यही हीरे कंकड़ पत्थरों की तरह जगह जगह बिखरे मिलते। तो ग्रह का नाम है 55 कैंक्री ई और आज मैं इस ग्रह की पोल खोलने वाला हूं। तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए और मजा ले इस कमाल की वीडियो का। तो गाइस, ग्रह 55 कैंक्री ई लोकेटेड है कैंसर नक्षत्र में और हमारे सोलर सिस्टम से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। ये एक्सोप्लैनेट उन 5 ग्रहों में से एक है जो कैंसर नक्षत्र में अपने होस्ट स्टार का चक्कर लगा रहे हैं और इसके होस्ट स्टार का नाम है 55 कैंक्री। और ये ग्रह जिसका नाम 55 कैंक्री ई है, वो इनर मोस्ट प्लैनेट है अपने इस सोलर सिस्टम का। इनर मोस्ट प्लैनेट से मेरा मतलब यहां पर ये है कि ये अपने होस्ट स्टार के काफी क्लोज है। और गाइस, इसका व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से दोगुना है, जो इसको सुपर अर्थ का दर्जा देता है। और इसका मास यानी कि द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। और पृथ्वी से लगभग 2 गुने आकार का ये ग्रह अपने सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह अपने होस्ट स्टार के काफी क्लोज है और सिर्फ 18 घंटों में अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर ये कैलकुलेशन हम अपनी अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है गाइस कि 55 कैंक्री ई, जो इस ग्रह का नाम है, इस पर एक साल महज 18 घंटों का होता है। अपने होस्ट स्टार के इतने क्लोज होने की वजह से इस ग्रह को बहुत ही उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है और ये तापमान लगभग 3140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तापमान इतना ज्यादा है गाइस कि किसी भी धातु को पानी पानी कर दे। इस ग्रह की खोज 2004 में 20 अगस्त को की गई थी और 2010 से पहले तक वैज्ञानिकों का मानना ये था कि ये 2.8 दिन लेता है अपने स्टार का एक चक्कर को पूरा करने में। लेकिन 2010 की नई शोधों से ये धारणा गलत साबित हो गई और पता चला कि ये महज 18 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। और जहां तक ग्रह की विशेषताओं की बात करें, तो वैज्ञानिकों का शुरू से ही यही मानना था गाइस कि 55 कैंक्री ई एक छोटा गैस जायंट है जो हमारे सोलर सिस्टम के नेपट्यून ग्रह से मिलता जुलता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो शुरू से यही मानते थे कि यह ग्रह गैसीय नहीं बल्कि चट्टानी है। लेकिन 2010 में सब कुछ साफ होता चला गया और पता चला कि 55 कैंक्री, जो कि स्टार है, और 55 कैंक्री ई, दोनों में ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन है। और वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ग्रह के पूरे द्रव्यमान का 1/3 हिस्सा कार्बन से बना हुआ है। और जब और ज्यादा रिसर्च की गई तब पता चला कि इस ग्रह पर जो कार्बन है वो हीरो के रूप में है, जो इसको बनाता है द डायमंड प्लैनेट। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस ग्रह पर अत्यधिक तापमान और अंदरूनी दबाव मौजूद है, जो कि हीरा बनने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह की जो चट्टानें बनी हैं, वो ग्रेफाइट से बनी हुई हैं। अब बस ये जानना बाकी रह गया गाइस कि इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर है या नहीं। और इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमें इस ग्रह पर और ज्यादा शोध करने की जरूरत है, बोले तो रिसर्च। तो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला है। जितनी भी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में पता लगाई है, वो आज के हमारे सीमित विज्ञान और संभावनाओं पर आधारित है, बोले तो डिपेंड है। अगर हम वाकई इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है एक ऐसे स्पेसशिप की जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके, क्योंकि इस ग्रह के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमें इस ग्रह पर करीब जाना होगा
जो कि आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए संभव नहीं लगता। हमें इंतजार करना होगा क्योंकि आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये नजर नहीं आता कि इस ग्रह से जुड़ी असल सच्चाई हम इस जीवन काल में जान भी पाएंगे, फ्यूचर में शायद। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो के एंड होते ही एक लाइक जरूर ठोक के जाना, क्योंकि मेरी जो मेहनत है यार वो आपके एक लाइक के ऊपर ही डिपेंड है। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं गाइस क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप वो कर ही दोगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जा सकते हो, और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हो तो इस घंटे को भी दबाते हुए जाइएगा ताकि आप ऐसी कोई वीडियोस मिस ना कर सको।